अपना बना रही खाना वाना, और रश्मि कर रही आराम, आज सपना से बनवा रही खाना, देखो कि कुछ कमी नहीं है। क्या लगता है मेरा बाप मेरा बाप बोला थोड़ी शक्कर, थोड़ी सी शक्कर ही, थोड़ी सी चाय की पत्ती और ज्यादा कर देना तो मजा आ जाएंगे। क्या बोलिए भाई, मेरा वीडियो तो अच्छा आता है ना। हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। भाई मैं एकदम बढ़िया हूँ, फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। भाई लक्ष्मी ने पहनी है साड़ी और सपना कर रही है भाई थोड़ा सा काम वाम, और सुबह के बज गए हैं भाई 11 ग्यारह थोड़ा ज्यादा हो गया। भाई सपना बना रही खाना वाना, और लक्ष्मी कर रही है आराम, आज सपना से बनवा रही खाना, देख लो किसी की कमी नहीं है, खुद आराम कर रही है और उसे खाना बनवा रही है। भाई आज है ट्यूसडे और मैं नहा धो के रेडी हो गया, आज मेरा फास्ट है। लेकिन भाई ये लोग कह रहे हैं फास्ट नहीं करते आज, क्यों नहीं करते फास्ट? मतलब जब बच्चा होता है ना तो शॉर्ट लगती तो उसमें व्रत मानी नहीं जाता, उल्टा पाप लगता है, इसलिए भाई यार नहीं क्या मंडे का फास्ट तो रख ही लेता, क्या दिक्कत थी? नहीं नहीं खाना खा लो। भाई देखो कैसे कपड़े गुदड़े कैसे बिखेर रखे हैं भाई साहब, पूछो मत। आप दीदी ये गृहणी है घर की, देखो भाई ये हाउस वाइफ है, ये हाउस यहाँ क्या काम करा था तुमने? किचन का पाइप साफ किया था, घी साफ किए थे, आटा पीसा था, सफाई करी थी, ढाई थी, आटा लगाया था, सब्जी बनाई थी, कितना काम किया। रोटी तो नहीं बनाई ना, एक काम तो नहीं किया ना, वो मेन काम तो वही था, वो सपना कर रही है, सारा श्रेय सपना को जाएगा। सपना नहीं बना रही थी, मैं और सपना दोनों बना रहे थे। हैं दोनों बना रहे थे? आटा कैसे लगाया था मैंने, और सब रोटी को सेक रहा है, रोटी अपना सेक रही, मैं बेलती जा रही थी फटाफट। अच्छा अच्छा, मजाक की बात है, सीरियस हो जाती है सर बात पे, छोटी छोटी बातों पे पागल। ये हॉस्पिटल से आया भी कम भाई, गुदड़े देखो कैसे पटक रहे, खाना डाल दिया गया बफी को, बफीड़ा ओ देखो भाई कैसे कर रहा फेरों में। तबियत तो ठीक है तेरी? भाई इसकी तबियत ठीक है, भाई इसकी तबियत खराब हो गई थी, और अब इसकी आंखों के अंदर पानी भी नहीं आ रहा, पहले की तरह दिखाता नहीं। एक तो ये देखो पानी भी नहीं आ रहा, अपने आप ठीक हो गई भाई, ये बॉडी अपने आप रिकवर कर लेती है अपने आप को, इम्यूनिटी पावर होती है बॉडी के अंदर। खाना बफी को रोटी डाल रही है, रोटी खाएगा, हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे उसके बाद में। मैं ये पानी भी डालता हूँ, मैं पानी भर देता हूँ उसके डब्बे में, पानी नहीं है भाई। देखो रोटी पानी में डाल रखी है, कैसे खाना खाता है, पानी पीता रोटी इसमें गिरा देता है। और भाई लक्ष्मी ने मेरा खाना लगा दिया, मैं कह रहा हूँ भाई फास्ट कर लेता हूँ, लेकिन कह रही मत करो फास्ट फास्ट, जल्दी खाना खाओ फिर हॉस्पिटल चलते हैं। तो भाई मैं खाना खा लेता हूँ, थप्पड़ पड़ेगी, 1 बज गए। कैसी सब्जी भाई? अब बता भी दो। तुझे बनी बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा घटिया, बहुत ज्यादा घटिया नहीं बनी, अच्छी बनी सब्जी, मजाक करो। ताई जी को दाऊ जी को पसंद आ जाएगी ना? सीरियसली पूछ रही हूँ, मुझे बहुत टेंशन रहती है, मतलब पसंद आई सब्जी नहीं आएगी, पता नहीं क्या सोचेंगे, सब्जी बना के रखी है। दो रोटी से लेकर जो बनना हुआ है ना, मेरे पास हाँ भाई रोता है भाई वो, आज दो रोटी भी खाएगा। तो भाई दिन के बज के हैं, क्या बताऊँ आपको मैं, ढाई ढाई बहुत हो गया भाई, और मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल। भाई यहाँ पे हवा बहुत अच्छी चल रही है, एकदम बढ़िया, और ताऊ जी कह रहे हैं कहीं बर्फ़ पड़ी है इस वजह से हवा चल रही है, अब पता नहीं क्यों चल रही है। लेकिन इस गली आ रहे में, मतलब ये जो रोड है ना ये वाला पीछे वाला, देखो यहाँ आते हवा बहुत तेज लगती है रोजाना, मस्त वाली। भाई गार्ड को ना रोजाना, अलग अलग गार्ड होती है, चाय दे आते हैं यहाँ पे गार्ड को, तो गार्ड चाय में बिक जाती है तो भाई वो कहती नहीं जल्दी से, कहती फिर वो, लेकिन वो आराम थोड़ा सा मतलब पोलाइटली, और वो कहेगी फिर इग्नोर कर देती थोड़ा सा जान बुझ के। छोटा सा राजकुमार, छोटा सा बच्चा सो रहा भाई, सोता बहुत ज्यादा है, भी रोता ही बहुत ज्यादा है, रोता बहुत ज्यादा है। तो भाई हॉस्पिटल में आ गया, दिन काफी निकल गया, और बस यहाँ से आज मेरी तबीयत भी ठीक है, कल मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, आज मेरे सही लग रहा है, और बच्चे को खिला पिला के भाई सो जाता आता जब तो, और फिर मैं अगेन बोल रहा हूँ कि दिखाने के लिए भी कुछ नहीं, बच्चा ही है, बच्चे को एंजॉय करो आप लोग। तो मैं जाग रहा व्लॉग नहीं, मैं फ़ोन नहीं था, नहीं व्लॉग बना डालती भाई, क्योंकि इस बार फ़ोन नहीं था। आज साड़ी पहन के आई है, बड़ी सती सावित्री बन के आई है आज भाई, इस बार कपड़े खत्म हो गए, थोड़ी कपड़े दिलाना बच्चे साथ, मेरे लिए भी कपड़े लाना, कपड़े नहीं है व्लॉग में डालने के लिए। और मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो रही है भाई मौसम की वजह से, 3-4 दिन हो गए मम्मी को, 5-6 दिन है आज। मेरा चेहरा काफ़ी हैवी हो गया भाई, मेरे को कमेंट भी आए 2-4 लोगों के कि अभी भैया मोटे हो गए काफ़ी पहले से, तो ये हो सकता है मोटा हो गया, मुझे भी लगता है कि वेट गेन हो गया। अब इसको देखो गोदी में सो रहा है,
उठ जा लाल दुलारे, उठ जा उठ जा लाज दुलारे, उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा। खाना खा लो मम्मी। क्यों भूख नहीं है? मम्मी की भी तबीयत खराब हो रही है भाई, आज फीवर वगैरह हो गया, बुखार हो गया, गोली ली है भाई। देखो घोसा बना रखा है इसने मारने के लिए, मौसी को मारेगा, एक मारेगा सिर पे फट से। मौसी को मारेगा। हेलो 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 हेलो, हाउ डू यू डू? हेलो, ऐसे हाथ आज क्यों नहीं बना रखे सॉक्स? दीदी ना टोपा नहीं उड़ा रखा, टोपा उड़ा दो उसको भाई। ये देखो कितना ढीठ है, अभी भी सो रहा है। 2 घंटे पहले मैं उसको यहाँ छोड़ गया था, 1.5 घंटे पहले कम से कम। और ये देखो कैसे सो रहा पड़ा है, ये भी कैसे पड़ी है। अब देखिए चलो लेने आई, क्लेम आ जाएगा, गाना बंद कर, मेरे यूट्यूब के ऊपर क्लेम आ जाएगा। ए गन्नू गन्नू मुस्कुरा लिए, छोटी सी मिंडकी मिंडकी मुस्कुरा लिए, नहीं मेरे मिंडकी है छोटा सा। हाँ अभी भी बच्चा बेटा, हाँ 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 होता है ऐसे, हाँ साइकोलॉजी है। हाँ सही है, उठ जा भाई उठ जा। एक इसी पे गाना गाऊंगा मैं, जागो मोहन प्यारे जागो, जागो मोहन प्यारे जागो जागो जागो। भाई जाग नहीं रहे तो सच कह रही, सपना बिल्कुल है, बहुत बहुत देर से जगा रहे हैं। सही कह रही, डीट है। और मम्मी क्या कर रही है? भाई मम्मी कर रही है आराम भाई, पूरे हॉस्पिटल में हमारा रात चल रहा है। इधर के पोर्शन पूरा बुक कर रखा है, इधर का पोर्शन बुक कर रखा है। रानू भी सोई पड़ी है भाई, थकी हुई सो गई। तबीयत सही क्या अब है मम्मी? बुखार उखार थोड़ी है, बुखार तो गुजरा दो दुरा भाई ना है? नहीं है भाई, वही तो कह रहा हूँ। हाँ हाँ, क्या फायदा निकलेगा? अब घर पे रहेगा जब खूब खिलाना है इसको, रात को रात में जगेगा ये, जब बाकी नीचे आ जाओ। क्यों वहीं बैठे रहो, तो फिक्स हो जाएगा टाइम का, फिक्स है रात को 11 बजे जग जाएगा बस। फिर उसके बाद में पूरी रात जगे तो यहाँ जगह जगह अरे मेरे भाई जग गया था बाबू भाई, मेरे बाल कितने गंदे हो रहे हैं देखो भाई, कलर क्या था 2 दिन पहले फिर वाइट 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 दिखने लग गए और बाल बहुत गंदे हो रहे हैं। क्या अरे भाई क्या बोल रही, हॉस्पिटल में इतने स्मार्ट बन गए भाई। मैं चाय बना के लाया था तो एक और गार्ड को मैंने चाय दे दी, दिल्ली गार्ड, हाँ दिल्ली अलग अलग गार्ड को चाय दे रहा हूँ भाई मैं। तो आज फिर मैं आया था हॉस्पिटल तो मैंने एक गार्ड को चाय वाय दे दी, तो भाई वो चाय वाय पी लिया तो तारीफ करने लगी मेरी की चाय अच्छी बनाई है उसमें, तब गई गए घर पे। गए तो घर पे बोलो मैं चक्कर काटूंगा। और भाई ये मार्क्स के अंदर है जो ये हमेशा मार्क्स पहन के रहता है ये, वो चल दिया देखो पीछे दिखेगा नहीं दिखेगा, वो नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा नहीं। ये वो इंसान है भाई जो फेमस होने बाद में ब्लॉगर बोलते ना कि लोग हमारे ब्लॉग में नहीं आते थे, मुंह छुपा लेते थे अपना, ये वही आदमी है, हम भी आते ही बोलेंगे। इसी लेके बैठे हैं इसको और ये नहीं उठ रहा है, डीटा बहुत डीट है यार। मैं एक घंटे के 1.5 घंटे से उसको उठा रही हूँ पर नहीं उठ रहा है ये ना, बस थोड़ा सा आँख खोलता है फिर सो जाता है। बड़ी नींद आ रही है इसको बहुत ज़्यादा सच में ही। पर कोई ना मैंने तो खिला लिया था, इन्होंने भाई उठ नहीं रहा भाई, बहुत गुस्सा आता है, मैं कुछ उठता नहीं है। एक क्या पहना रखा है गम्बा बोला था, ये तो ऊपर से उड़ा रखा है इतना सारा। कपड़ा सही कर इसके नीचे से, नीचे तो है ये तो ऊपर से उड़ा रखा हमने ऐसे, कहाँ चले आप? सही कर कपड़े इसके लेना। ये भाई सब लोग बैठे हैं और ये अपने आप को दिखाता नहीं है, ये कहाँ गोदी बैठेगा रानू के भाई, ये देखो पलंग ही तोड़ेगा अपना वीडियो दिखाता ही नहीं वो, जब फोन का कैमरा बंद भाई, ये वाला जो लड़का नहीं, ये वाला ये अपना वीडियो फोर वीडियो नहीं दिखाता अपना, बोलता मैं अपने वीडियो में नहीं आऊंगा तुम्हारे व्लॉग में नहीं आऊंगा। जब कैमरा बंद हो जाएगा तब ये बोलेंगे मेरा वीडियो काट देना, मेरा वीडियो काट देना, फिर हमें लास्ट में काटना पड़ता है। अरे भाई ये वही बंदा है जो उसे बोलते हैं ना बाद में बोलते हैं कि मेरा वीडियो मत लेना, वीडियो वही बोल गुड्डू चले घर पे
भाई जा रहे बेटा, भाई तो सोता रहे, इसको ले चलते अपने घर पे, तू सोता रहे, मम्मी कहीं छोड़ चलो। भाई इसने बहुत इरिटेट कर दिया, जग नहीं रहा, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, डेली दिन टाइम वेस्ट करता है ऐसे कैसे, मैं घर में सो नहीं पा रहा ऐसे क्रम में। हाँ। मैं डेली दिन में सोता, लेकिन मुझे भी बहुत नींद आ रही थी पर मैं गई नहीं इसके चक्कर में। मैं मुझे बहुत भयंकर नींद आ रही थी पर गई नहीं इसके चक्कर में, चलो इसके खाना हाथ में थोड़ा वक्त। और भाई इसने बहुत कर दिया परेशान, मैं खुद जगाने वाला हूँ। भाई साहब ये ना जगे को, अभी हिल गया था थोड़ा सा करने से, ऐसी मत करना या फिर कोई बात तेरी है बिना मतलब वो कर रही है, जिस जो मत कर, जो काम नहीं करने के वो मत कर, मत ही कर। वैसे पैर पे ऐसे से मार रही, पैर पे ऐसे से, डॉक्टर डॉक्टर की बात बोल गई कि ऐसे करने चल जाएगा, धीरे धीरे मारो पैर के नीचे तलवे पे। और तुम जिस दिन किया था बहुत रोया था, ये पता नहीं क्या तो मत कर ना, मत कर, मत कर ऐसे क्लिक। उस दिन भी मैंने ज्यादा नहीं किया था, पूनम दीदी ज्यादा किया था। पागल है पूनम दीदी, तेरी बुआ पागल है क्या बोल रही है, इसे उछालते नहीं है यार। अरे वो दस दस लग जाएंगे, दस लग जाए, दस इतने से, हाँ दस लग जाएंगे हवा में करने से। अभी ये तो उम्र है ही नहीं करने की, मत करा कर, दस लग जाएंगे छोरे के, कमजोर हो जाएगा पागल। मत कर, मत कर, मत कर। साड़ी पहन के आई है, दिखा रही है, ज्यादा चला रही है, सूट नहीं थे, साड़ी पहन के आई है, देख ले। नहीं रोज में नई नई ड्रेस पहन के आती हॉस्पिटल में दिखाने के लिए कि मेरा क्या हुआ है, क्या लगता है मेरा बेटा बाप है सिर्फ बाप लगता है मेरा बाप पैदा हुआ है मेरा बाप नहीं मत इला अच्छा नहीं दूस देंगे तो रात पे बीच देंगे तो दीदी पापा पैदा हुए मेरे पापा पैदा हुए पापा पैदा हुए तेरे बाप ये पूछ रही, ये पूछ रही है, पूछ रही है, पांच दिन बाद पूछ रही है क्या लगता है मेरा, एकदम से अचानक बावड़ी हो गई, मैं तेरे पापा लगते हैं फादर दीदी के पापा लगते हैं पापू ओ मेरे पापू इनाम लेंगे बोले, इनाम लेंगे बोले, इनाम लेंगे बोले, इनाम लेंगे, इनाम लेंगे, हाँ देंगे कहीं कहा। अरे बच्चे के डैडी कहाँ खड़ा करो, वो रहे वो रहे वो रहे बड़ी मम्मी छोटू तो करना हां लग तो यही रहा है डैडी उसे देवर को तो पूरा कहते हैं हां हक तो है पूरा बट डैडी तो कमण है डैडी तो डैडी ले लो डैडी तो भाई डैडी रहेगा चाचू बच्चों चच्चे बच्चों ये देखो भाई जैसे इसका ब्लॉग बड़ा लगता हूं भाई बंद कर इसको बंद कर चच्चा बन सकते हैं तो चच्चा चच्चा बनेंगे भाई हां चाचा चच्चू चाचू 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 छोटे अंकल भाई घर हॉस्पिटल से मैं निकल गया हूँ, घर जा रहा हूँ और हम लोग जा रहे हैं घर पे। मैंने पहले बताया था हॉस्पिटल वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो घर पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फटाफट घर पहुँच जाते। और भाई हम लोग सपरा भी मेरे साथ जा रही है घर पे, चाय लेकर वापस आना है भाई हॉस्पिटल में, क्योंकि हमारे यहाँ घर की चाय सबको अच्छी लगी, गार्ड को भी अच्छी लगी और एक आध स्टाफ को भी और दी चाय, बहुत ज़्यादा तारीफ करी थी चाय की, तो ये चढ़ गए, चढ़ गया है जान उतर गया, पर अच्छा लगा। तो मैं बड़ा स्पेशली गार्ड से पूछ के आया हूँ कि मैम आप कब तक रुकोगे यहाँ पे, बोली रात 10 बजे तक है। मैं कभी चाय भेजता हूँ दोबारा से, तो उसने बोला थोड़ी शक्कर थोड़ी सी शक्कर ही थोड़ी सी चाय की पत्ती और ज्यादा कर देना तो मजा आ जाएंगे ना, मेरी चाय बना दो तो बस कभी कभी बना देते, कभी कभी तो नहीं बनाते भाई। वास्तव में मेरा चेहरा कितना हैवी हो गया, मोटा हो गया भाई, मैं वास्तव में मोटा हो गया, मैं पतला होऊंगा अब कैसे होऊंगा, लेकिन पतला भी घर जाएगा तो रोटी खा लूं, पतला होऊंगा कैसे होऊंगा, ये कंफ्यूज हो रहा हूं मैं। तो क्या बोली भाई, मेरा वीडियो तो अच्छा आता है ना, डिश बना दो डिश। तो जा रहे हैं घर पे भाई, फटाफट चाय बना के मैं चाय दे जाऊंगा, फटाफट बाइक पे आकर के, अभी तो पैदल आए थे, बाइक पे जाऊंगा चाय दे जाऊंगा, उसके बाद फिर घर जा करके आराम करें, खाना वाना खा के फिर रात को आएंगे आराम से। खाना खा के नहीं जाके खाते, पर खाना आते खाना बना के, हाँ मतलब बना के आएंगे, तब तक हमारा लाल पीला हरा नीला बाबू भी जग जाएगा, जग जाए। नहीं हम जाते ना, उसका जागने का टाइम ये, कल मैं इस टाइम रुकी थी हुई थी ना, तो वो जागा हुआ था इस टाइम पे, तो उसका जागने का टाइम ये, अब चल दिया बंदो, वो जागेगा थोड़ी देर में देखना। सही बात है, तो देखते हैं कब जगता है वो, कब की टाइमिंग, हमारी टाइमिंग मैच नहीं खा रही फिलहाल, जब वो घर पे होगा तब हम अपनी ट्रेनिंग और टाइमिंग दोनों मिला लेंगे। बाहर ही बहुत खराब लग रहे हैं यार मेरे तो। तो चलो भाई फटाफट पहुँचते हैं घर पे, जल्दी चलो स्पीड से भाई, बैकग्राउंड में कुछ नजर नहीं आ रहा ना,
तो मैंने इसमें थोड़ा फंक्शन चेंज कर दिए इसके, और अभी ये मोटे मोटे दिख रहे हैं दोनों के दोनों। भाई मैं रोज यहाँ से निकलते हैं और इस सेल आती है रस्ते के अंदर, और रोज मुझे कहती है चलो भाई सेल में चले, मैं इसको देखता हूँ घूरती हुई आंखों से, और फिर ये बोलती चलो घर चलते सीधा, ये बड़े मजेदार है, ऐसे देखता हूँ ऐसे करके, और ये सुचा कर चल देती है धीरे धीरे, बोलती नहीं दोबारा। सीधी तो बहुत है भाई, थोड़ी टेढ़ी होनी चाहिए मिर्च मसाले वाली, ये सीधी सी है सिंपल सी, तो सेंस वाली तो है नहीं। अच्छा नहीं हाँ। और भाई एक बात और बताता हूँ, हॉस्पिटल में आज मेरी तारीफ उड़ी थी शर्ट की, बोली शर्ट आपकी बहुत अच्छी लग रही है, एक दो जनों ने एक तो पास में था ना भैया बैठा था मेरे, बोलो मोटी है एकदम बढ़िया भैया है, फिर तो ठीक है, लड़का है भैया ही बोलूंगा तो क्या बहन बोलूंगा क्या। और एक स्टाफ ने मेरी तारीफ करी की आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। स्टाफ का कौन था? तू क्या बताऊँ कौन था, बहुत लोग है जो हम जाते ही मिलते जुलते हैं, मेरे से बातचीत होती रहती है, पता ना क्या है इसमें। हमारी आ गई घर गलियारा, घर की गली, और ये हमारी झोपड़ी छोटी सी, और हमारे घर के अंदर ये हमारी छोटी सी कार, और ये हमारी छोटी सी छोटा सा पफी, वो बुखिया खड़ा है गेट पे। ओ, चाबी क्या हो गया, अच्छा घूर रही है भाई, चाबी नहीं मिल रही थी, पैंट में टाइम लग गया बिल ढूंढने में, उसमें क्या हो गया भाई, पफी को देखना भी कैसे करेगा। ये देखो भाई कितना बड़ा ताला है, देखो हमारे गेट पे दिख रहा ताला, वही देखो कितना बड़ा लॉक लगा हुआ है छोटा सा बबी। हाँ ये देखो भाई, अरे भाई भाई बेचारा अकेला रहता है ये पूरे दिन, कुछ 5 दिन हो गया अकेले अकेले दिन बिताते हैं, बूढ़े रोक की तरह अकेला छोड़ाते हैं इसको। हाँ तो भाई चाय बन गई है, रश्मि ने चाय बना दी है पूरा जग भर के, मैं चाय हॉस्पिटल में दे आता हूँ भाई। और ये क्या करती है, ताला भी ऊपर लेके आ गई, मेन गेट का ताला खोला वो भी ऊपर लेके आ गई। भाई मैं रश्मि खाना देने आए मम्मी का और रानू का दलिया, और भाई ये देखो ये बच्चा अभी भी नहीं जगा, भाई देखो अभी भी सो रहा है ये, मेरा लड्डू सोता ही रहता है भाई, या तो रोता रहता है सोता ही रहता है। गुड्डू हे गुड्डू, ए काड़ू गुड्डू काड़ू होगी तुम, नहीं वो काड़ू है ये। तो भाई टाइम हो गया काफी, 9 बज गए, यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं, गाड़ी आने वाली है भगा देगी, इसलिए मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देता हूँ भाई। 3 दिन हो गए भाई, और 3 दिन से मैं आ रहा हूँ रेडी वेडी होता हूँ फर्स्ट क्लास, और यहाँ पहुँचता हूँ, लेकिन ये भाई सोता रहता है 3 दिन हो गए इसको रेगुलर मेरे को पकाते हुए, इस बच्चे को मुझे पकाते हुए। तो भाई अब मैं करने वाला हूँ, कल मैं साड़ी पहन के आऊँगा और घूमकर निकालूंगा कि रात में जेंट्स अलाउड नहीं है। तो भाई यहाँ पे ना जेंट्स अलाउड नहीं है रात को, तो मैं ना साड़ी पहन के आऊंगा, और ना इसको फिर ना साड़ी के अंदर इसको फिर रात को मुझे कोई निकालेगा भी नहीं यहाँ से, और मैं आराम से इसको खिलाऊंगा रात को, रात भर जगता बताया भाई ये, तो रात भर मैं इसको खिलाऊंगा, फिर कैसे खिलाऊंगा बताइए। अपन दोनों इसको ऐसे खिलाना, तो ऐसे उठाना साड़ी करके, ऐसे करना और ऐसे बैठना, ऐसे बैठूंगा भाई, ऐसे बैठना, कुछ शक्ल भी देख पाएगा मेरी, फिर जगह भी रहेगा शैतान। पका रहा है बहुत भयंकर, बहुत तेज पका दिया, 3 दिन हो गए तो पकाते हैं मेरे को, 3 दिन से नहीं जग रहा भाई ये। मन कर रहा चाटा में उठ जाएगी, चाटे चाटा क्या बोल रही भाई ये, एक चाटे में उठ जाएगा, एक चाटे में उठा देते हैं ऊपर बना ले तो फॉलो। हां एक मिनट, रानू का बनाने का वीडियो, मॉडलिंग कर रही है, ये हमारा रैंप है, और ये रैंप नहीं भाई, डॉक्टर ने बोला थोड़ा चलने के लिए कैट वॉक कर रहे हैं, थोड़ा हल्का फुल्का वॉक करने के लिए बोला है हॉल में, वॉक कर रही है। फाइनली भाई ये सो के नहीं उठा, हमारा घर जाने का टाइम आ गया, मैं ज़्यादा गार्ड दोबारा टोके मेरे को, टाइम आप देख सकते हो क्या हो गया, 9:30 बजने वाले हैं। तो भाई कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ में, कोई भाई ऐसा लगता है भाई यही रो रहा है, लगे ये नहीं रो रहा है कोई और रो रहा है। तो भाई कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ में, इस ब्लॉग का जो पार्ट पसंद आया वो प्लीज़ कमेंट करके बताना, लाइक से सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कल मिलेंगे नई एनर्जी साथ में, बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम।